बेबी एंड बाबू ऑलरेडी लॉन्च है, मीस भी बोल के एक वेब सीरीज जो एकदम न्यू कॉन्सेप्ट में, और अभी जो हो रहा है आपका जो प्री मैच्योर वेब सीरीज जो बोलता है मैच्योर स्टोरी लेके हम लोग बनाया है, और अभी हम लोग आज दो वेब सीरीज लॉन्च होने वाला है, एक है एम फॉर माम एंड एक है भाभी जी मैं आऊँ, उसके साथ दो रियलिटी शो भी लॉन्च हो रहा है, इसका एक का नाम है जियो सिंगिंग स्टार और एक का नाम है जियो किंग एंड क्वीन इंटरनेशनल, इसमें आपका एक ब्यूटी पेजेंट है और एक गाना का प्रोग्राम है, तो उसमें ललित जी हमारा गाना का प्रोग्राम है, वन ऑफ द लीडिंग चार्ज जो गाना का प्रोग्राम होगा जियो सिंगिंग स्टार, तो हम चाहेंगे सर कुछ बताइए जियो सिंगिंग स्टार के बारे में, कैसे हम लोग शुरू किया कैसे। देखिए ये तो कॉन्सेप्ट ही बहुत अच्छा मुझे लगा है कि आप ये जियो ऐप, जियो गुरु ऐप है, इसको डाउनलोड कर लीजिए, और अगर आप में लगता है कि आप में सिंगिंग का टैलेंट है और एक पार्टिसिपेशन की चाह है, तो उस ऐप को डाउनलोड करके आप यहाँ विदाउट एनी लाइन एनी क्यू आप ऑडिशन दे सकते हैं, ऑडिशन की ज़रूरत ही नहीं, इनफैक्ट आप डायरेक्टली ज्वाइन कर लें और फिर बाद में आपको बुलाया जाएगा, और सिंगिंग कॉम्पिटिशन जो ये वेब में आ रहा है ये होगा, और इसमें हम लोग जज होंगे और उसमें सुनेंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इसमें जो कि लाइन में नहीं खड़े होना चाहते और जो कि सिंगिंग टैलेंट रखते हैं उनको मौका मिलेगा इसमें, और आई एम श्योर कि बहुत ही वाइड वेरिएशन ऑफ आर्टिस्ट मिल सकते हैं इसमें, तो बहुत ही अच्छा आइडिया है और आई एम श्योर इट विल वर्क ग्रेट, और ये जो जियो गुरु ऐप है इसमें आपने अभी सुना ही कि कितने सारे प्रोग्राम्स आ रहे हैं और फिल्में आ रही हैं इसकी अपनी, इसमें अपने प्रोग्राम्स आएंगे जो कि देख सकेंगे, तो इट्स अ वेरी न्यू एंड ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट विच इज़ गोइंग टू कम अप। मैम आपसे जानना चाहेंगे सर, तो करता रहता है ये ऐप के, आपकी इन्वॉल्वमेंट कितनी रहने वाली है इस ऐप में, थोड़ा सा बताइए। मैम इज वन ऑफ द पार्टनर ऑफ द ऐप। ओके, एक्चुअली जो हम लोगों का जो ऐप है जियो गुरु, इसमें वैरायटी टाइप ऑफ सेगमेंट्स है, इसमें वेब सीरीज जैसे हिंदी भी है, रीजनल लैंग्वेज में भी है, और इसमें जैसे सलमान खान का मूवीज भी है, बहुत कुछ है, हॉलीवुड मूवीज भी है, तो हम लोगों का इसमें, हम लोगों का ऐप में बहुत वेरिएशन है, तो हम लोग चाहते हैं कि मतलब डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं इसको, कि इसके लिए हम लोगों का ऐप में और एक तो चीज़ है शॉक स्टूडियो बोल के, तो उसमें हम लोग जैसे मॉडर्न सिंगिंग, क्लासिकल म्यूजिक एंड मॉडर्न म्यूजिक तो उसमें सब कुछ मिला के, मतलब हम लोग का ऐप थोड़ा हटके है, थोड़ा हटके है और सब कुछ है इसके अंदर, जो आपको मन मर्जी है वो आप देख सकते हैं, फिल्म देखना है तो फिल्म देख सकता है, ओरिजिनल देखना है तो ओरिजिनल देख सकता है, शॉर्ट स्टोरीज देखना है तो शॉर्ट स्टोरीज देख सकता है, कंपटीशन देखना है तो कंपटीशन देखता है, लाइव चैनल देखना चाहता है तो लाइव चैनल देख सकता है, और इसके अंदर अगर आपको हॉलीवुड मूवी देखना है तो हॉलीवुड मूवी भी देख सकता है, जो आपकी मर्जी है, जो एक टीवी चैनल में मिलता है मोटा मोटी वो सब कुछ हमारा ऐप में है। एक साल के लिए आज से हम लोग कर रहे हैं 79 rupees पर ईयर, ओनली 79 rupees पर ईयर, हमारा 299 था, हम एक ऑफर चालू किया आज से, आज मुंबई में जो लॉन्च हो रहा है आज का दिन से, क्योंकि 79 rupees पर ईयर एनुअल सब्सक्रिप्शन 79 rupees पर ईयर, इसके अंदर आपको सब जो जो चीज है हमारा ऐप के अंदर सबका देखने का ये हक मिलेगा। आपसे जाना चाहेंगे थोड़ा सा बताइए कोलैबोरेशन के बारे में, और इंटरनेट का प्लेटफॉर्म है तो बहुत सारे लोग जो है अप्लाई करेंगे जी, तो सर कैसे चुनाव करेंगे आप और क्या स्ट्रेटेजी बनाई आप? देखिए इस पे एक टीम बैठेगी, क्योंकि जैसा आप कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग सब्सक्राइब करेंगे इसको, डेफिनेटली करेंगे, तो एक ह्यूज लिस्ट ऑफ आर्टिस्ट आएगी इसमें ऑल ओवर कंट्री ऑल ओवर इंडिया, तो इसमें एक ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट बैठेंगे जो उनको देखेंगे और उसमें से शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे, प्रिलिमिनरी सिलेक्शन होगा, उसके बाद जो होगा वो सर लोगों को पास जाएगा, सर लोग उसको सुनेगा, उसके ऊपर सर लोग विचार करेंगे, उसके ऊपर लास्ट सेमीफाइनल एंड फाइनल शूट होगा जिसमें सर लोगों को सामने उन लोगों को गाना है, लाइव गाना है, उसके बाद हमारा जो भी आएगा रिजल्ट, सर लोग जो भी रिजल्ट देगा वो बनेगा जियो सिंगिंग स्टार, जो भी शॉर्ट लिस्ट से अच्छे आ जाएंगे और जो फाइनलिस्ट क्वालिफाई करेंगे उसको हम लोग जज करेंगे।
एक, और उसमें से जो जीत गया वो मतलब हम लोग का टैलेंट भी शोकेस हो रहा है, और उससे भी बेहतर है जो टॉप कंटेस्टेंट रहेंगे उन लोगों को हम लोग वर्किंग चांस भी, एक्सपोजर भी मिलेगा ऐप में। सर इस आइडिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे, बहुत कम ऐसे ऐप है जिसमें सिंगिंग का टैलेंट को भी जज किया जाता है, तो उस आइडिया के बारे में थोड़ा सा बताइए। थोड़ा आपको रेक्टिफाई करेंगे, बहुत कम ऐप नहीं, मेरे ख्याल से इंडिया में जितना भी ऑनलाइन ओटीटी प्लेटफॉर्म है, पहले हम लोगों का जियो गुरु ऐप है जिसमें कोई रियलिटी शो चालू किया गया है अभी तक, एज पर माई नॉलेज दिस इज द फर्स्ट टाइम इन इंडियन ऐप हिस्ट्री जहाँ पे एक रियलिटी शो ऐप में स्ट्रीमिंग होने हो रहा है। मैंने भी पहले कभी सुना नहीं कि सिंगिंग रियलिटी शो जो हो रहा है वो कंपटीशन हो रही है वो वेब में हो रहा है, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं सुना। दैट्स व्हाई आई सेड इन द वेरी फर्स्ट दैट इट्स अ वेरी वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट एंड आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू दैट देयर आर सो मेनी पीपल हु सिंग बट नेवर गेट अ चांस। ये इनरोल कर सकते हैं जियो गुरु ऐप में, और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए उनको लाइन में धक्के नहीं खाना है, इनकी ऑडिशन देने से ही हो जाएगी। और जब फ्री टाइम का वो लोड कर सकता है उसका गाना, जस्ट जियो गुरु ऐप में जाके रजिस्टर जियो गुरु कर जियो स्टार करने से ही और गाना लोड कर करेक्ट गाना लोड कर दे अपना, और फिर बाद में जो जूरी है एलिमिनेटरी जूरी वो इनको एलिमिनेट करेगी या रखेगी, उनको आगे लेके जाएगी, तो वो एक चक्कर खत्म हो गया। और इससे मुझे लगता है बहुत सारे लोग इसमें लॉग इन करके करेंगे, तो यूनिक कॉन्सेप्ट है डेफिनेटली। सर लास्टली कोई शुभकामनाएं देना चाहेंगे जो भी अप्लाई करने वाले? देखिए इसमें नो एज बार वाला मामला है, तो हर आदमी जिसे लगता है कि सिंगिंग का टैलेंट है, उसमें पैशन है अबाउट सिंगिंग, तो इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करने की कोशिश करना चाहिए। और एक करने से ये तो आपको एक फेयर चांस मिलेगा कि आप में कितनी क्षमता है, तो ये बहुत ही एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है। आई विश ऑल द पीपल हु आर गोइंग टू एनरोल इन दिस कॉम्पिटिशन द वेरी बेस्ट, डू योर बेस्ट एंड we'll hope to see you in the finals. Thank you so much. कि आप लोग सबको इस जीवन को फिल्म के लिए आप लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी करिए, ताकि ये ग्लोबली कंटेंट है, ऑल ओवर वर्ल्ड में ये इशू है जिसके लिए ये एड्स का जो इशू जो है इसको लेके मैं फिल्म बनाने के लिए कोशिश किया था। बस स्ट्रीमिंग बहुत जल्दी जियो गुरु में होगा, बाकी आगे। थैंक यू। इस बारे में है क्योंकि हमें जनरली जो कहा जाता है और जो हम सुनते हैं जो ऑलवेज जो है कि नेगेटिव चीज़ें होती है कि एड्स मतलब सिर्फ सेक्स से ही होता है, ऐसा नहीं है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी एड्स होता है। ये अवेयरनेस है और लोगों को ये लगता है कि हर किसी का वन ट्रैक माइंड है, उसी में उन लोगों को मतलब क्या होता है इससे डिप्रेशन में एक इंसान जितना जीना चाहता है उससे जल्दी मर जाता है। अगर उसे सपोर्ट मिले समाज का, चाहेगा तो ज़रूर लेकिन कुछ दिन और जी के जाएगा, कुछ जिंदगी को जी पाएगा। जो गलती उसने की नहीं वो इल्ज़ाम लगाया जाता है, तो ये एक सोशल अवेयरनेस है। सर आप बताइए कैसे जुड़े हैं आप? और मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो ये सोशल मैसेज है एंड म्यूजिकली है टोटली, और इस ग्रुप के साथ विशाल रॉय के साथ जुड़ के, क्योंकि इनका भी जो क्रिएटिविटी है इस फिल्म में दिस ग्लोबली दिस नॉट फॉर कोई एक सब्जेक्ट की एक ओरिएंटल सब्जेक्ट नहीं है, और म्यूजिकली सपोर्ट इसमें कि मुझे काम का कि इसलिए अच्छा लगा इसमें क्योंकि काफ़ी स्कोप था, मोस्ट इमोशनल सेंटिमेंटल एंड वेरी ड्रामेटिक ऑल्सो, तो मैं वही कोशिश किया हूँ। और थीम सॉन्ग इसके बहुत अच्छे थीम सॉन्ग है, आई थिंक यू वुड लाइक दैट, एंड बैकग्राउंड स्कोर के अच्छे स्कोप भी था जो मैंने कोशिश करने वाली। थैंक यू।
विशाल जी ने बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है इन लोगों के साथ, और मुझे बड़ी खुशी है कि ये वेब आज, ये ऐप आज लॉन्च हो रहा है, तो उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और मैंने इनके साथ दो प्रोग्राम्स किए हैं जो अच्छे बने हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कैसे कंटेंट ड्रिवन टेक्नोलॉजिकली साउंड प्रोग्राम्स जो बन रहे हैं ये लोग बना रहे हैं और आगे बनाते रहें और लोगों का दिल जीतते रहें। एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू द वेब, बहुत अच्छे प्रोग्राम्स बने, कुछ में तो मैंने ही काम किया है और तो अच्छे प्रूफ है इटसेल्फ। और दूसरी अच्छी बात इनकी ये है कि इनका सब्सक्रिप्शन जो रखा है बहुत लो रखा है, 79 रुपीज पर ईयर, बहुत अच्छी बात है। मैंने इनके साथ दो अलग प्रोग्राम्स किए हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स किए हैं, एक लीव टुगेदर करके एक प्रोग्राम है, तो थोड़ा लाइट एंड सीरियस का मिला जुला प्रोग्राम है, उसमें मैंने रोल किया है। और दूसरी एक डिजिटल फिल्म उन्होंने बनाई जो थ्रिलर टाइप की है, उसमें मैंने रोल किया है, हेड ऑफ अ डिटेक्टिव, आई मीन जो अपनी NIA टाइप की जो एजेंसी होती है उसका मैं हेड। बड़ी दोनों चीज़ें बहुत अच्छी बनी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। सबसे पहले आप लोगों को ये कहना चाहूँगा, आजकल जो हंसी है और स्माइल है बहुत महंगी हो गई है। आजकल टेंशन्स इतनी हैं, प्रेशर्स इतने हैं, इतने प्रेशर्स हैं, आजकल तो ये है कि प्रेशर कुकर में रहिए और उसके अंदर रह के स्माइल करके दिखाइए। तो इस ज़माने में एक स्माइल की ज़रूरत है, एक लाफ्टर की ज़रूरत है। और ये जो जियो गुरु ऐप है इसके अंदर हमने देखा है कि लॉट ऑफ स्माइल्स, लॉट ऑफ लाफ्टर, लॉट ऑफ मैडनेस इज देयर। मैंने दो तरह से इनके साथ में मैं इन्वॉल्व हुआ हूँ। उनका पहला जो सीरियल है वेब सीरीज है, देखिए ज़माना कैसे बदला है, सिनेमा 70 mm, उसके बाद हम आए सीरियल्स में आए, सीरियल के बाद में अब वेब सीरीज है। इट्स दिस, इट्स दैट एंड इट्स 70 mm, यू नो दिस इज, ऐसे ऐसे जर्नी है। लेकिन वेब सीरीज का फायदा ये है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, बशर्ते कि यू आर ए गुड एक्टर, यू आर ए फाइन एक्टर, या कैमरामैन आप अच्छे हो, आप कम वक्त में ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हो। इसमें जैसे कि सेंसर का होता है, सेंसर नहीं है तो यू हैव टू सेंसर योर सेल्फ, आपको खुद अपने आप को सेंसर करना होगा। मैं इनके साथ दो बार मैंने किया है, एक मैंने लव गुरु का रोल किया है। लव गुरु का रोल बहुत खूबसूरत रोल है, मुझे याद है कि इन्होंने मेरे लिए वो एक दिन का पूरा चंक जो था, दे केम ऑल द वे फ्रॉम कैलकटा टू बॉम्बे टू शूट विद मी, और उसमें हमारे मुझे बड़ा अच्छा लगा, अरिंदम जी उसमें थे, स्वामी जी इज़ अ वेरी वेरी फाइन प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, और उनके साथ में उनके जो साथी हैं राकेश जी वो हैं और सुकन्या जी हैं, ये लोग बैकबोन हैं। एंड आई थिंक ये जो प्रयास है, ये जो इनकी कोशिश है, काविश है, ये बहुत आगे तक जाएगी, और ये हर तरह का इसमें एक अच्छा काम कर रहे हैं, सही कलाकारों को ढूंढ के। आई कुड नेवर इमेजिन कि ये वेब सीरीज भी इस तरह से आई विल बी इन्वॉल्व, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे बॉम्बे के ही एक बहुत पुराने और बहुत अच्छे बाबू भाई, थैंक्स टू बाबू भाई कि जिन्होंने मुझे यहाँ पे, जिनकी वजह से पहला जो हमने काम किया था, थैंक्स टू बाबू भाई कि आई एम हियर और आई एम पार्ट ऑफ दिस। इसका मतलब ये भी है कि आई एम रेलेवेंट एट दिस टाइम, आई एम हैप्पी कि फिल्में भी कर रहे हैं, सीरियल भी कर रहे हैं, साथ में वेब सीरीज भी कर रहे हैं, दैट ऑल्सो विद गुड मेकर्स। ये स्वामी जी जी, राकेश और सुकन्या जी ऐसे हैं कि दे विल स्पेंड द लास्ट 100 rupee note ऑल्सो फॉर द सेक ऑफ गुड वर्क। वो उस वक्त अपने बजट के बारे में ख्याल नहीं होता है कि दे वॉन्ट टू सी द, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, एंड इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और उनका जो सेकंड है मैं आऊं, भाभी भाभी मैं आऊं, उसमें आई हैव रिटन द कमेंट्री एंड हैव स्पोकन इट। लिखने में कुछ 9 घंटे लगे थे, प्लस अलग से कुछ दिन मैंने लगाए थे, लेकिन हम तीनों ने मिलके 9 घंटे की थी वो कमेंट्री लिखनी हुई, और उसके बाद 2 घंटे हुए, 2 घंटे में हमने उसको रिकॉर्ड भी कर लिया। इट इज़ मोस्ट अनयूजुअल, आप अंदर जाएंगे देखेंगे, यू विल इंजॉय इट।
मैं वही काम करता हूँ छोटे भाई जो मुझे अच्छा लगे। आज इतनी अच्छी प्रेजेंस में इतने अच्छे अच्छे लोग हैं मेरे साथ, मेरे बड़े अजीज दोस्त हैं, बड़े अच्छे मेकर हैं उदय शंकर पानी जी। आई एम हैप्पी कि वेब सीरीज का ये उत्थान हो रहा है, इट्स कमिंग आउट विद गस्टो एंड मेकर्स आर कमिंग टू गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस काइंड ऑफ थिंग। जरा जोर से बोलो ना एक बार कोरस में, थैंक यू। वन नहीं यार, वन टू थ्री फोर, नहीं ये इलाका राजस्थान है। वन टू थ्री फोर। He knows that my journey has been started since a reality show called Saregama Pa, जहाँ से मैं you know मुंबई आया था और यहाँ से मेरी सिलसिला जो है वो शुरू हुआ था। तो इस बार कुछ नया है जो एक डिजिटल ऐप में एक रियलिटी शो आ रहा है जिसका नाम है जियो सिंगिंग स्टार, जिसको होस्ट करने का जो मौका है और साथ में जो इतने गुरुजन है, अरबाज भाई है, ललित सर है और मेरे दोस्त अभय है एज अ मेंटर एंड मेघना ऑल्सो। तो दिस इज रियली गोना बी अ वेरी न्यू जर्नी फॉर मी एंड अ वेरी एक्साइटिंग थिंग कि एक डिजिटल ऐप में आप लोग रजिस्टर कर सकते हो और वहाँ पर जो हमारी जो इंटरनल जूरी की टीम है वो शॉर्टलिस्ट करेंगे और जो शॉर्टलिस्टेड होंगे वो मुंबई में सेमीफिनाले एंड फिनाले के लिए आएंगे। तो दिस इज अ वेरी ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट एंड एज अ होस्ट आई एम वेरी मच यू नो एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू द शो फॉर लॉट्स ऑफ फन। लेट्स सी। बहुत ही एक नया प्रयास है तो इसलिए जियो गुरु को बहुत बहुत ही हार्दिक शुभकामना और इस जियो गुरु के जो थीम सॉन्ग है वो उसका मैं डिरेक्ट करूँ और तो उसका गाना गाया है मेघना मिश्रा, अभय जोधपुर कर, ऑनिक कर। तो ये बहुत ही एक नया कंपटीशन आ रहा है, आई होप सबको बहुत अच्छा लगेगा। आई थिंक ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको ऑडिशन देने जाना नहीं पड़ेगा, यू कैन sitting at home you can give audition and through an app. So Jio Guru ne kafi acha ek initiative liya hai ye isko launch karne ka. Congratulations. Series with them called the
birthday gift, which will be coming in different app, not Jio Guru. Jio Guru ke saath mera first time association hai, but Shomu, who has come up with this whole idea of the app, I've already worked with him before, and very soon the birthday gift will be releasing. And this time I've come as a jury, so we thought why not, because it's a time where digital media has gone to another level. So I am doing few more web series, so I thought it's always good to be part of something which is like this, and it's an app, so like I'm totally hooked to all the apps these days, be it other apps. So I'm not going to talk about other apps, but yeah, it's a digital world, so it's an honor to be part of Jio Guru. Judging of it a lot. I judged many pageants in the past, but never ever where I judged a pageant which was to do with the app. Digital maine nahi kuch aisa kiya tha. Digital first time main aisa kuch karne ja rahi hu jisme mujhe judging karne ka mauka mil raha hai. Aur jab mujhe nyota mila is cheez ka to maine socha why not? Because new talents, new people who want to come up on live, they don't get the opportunities. For example, they are coming up with the talent contest, the singing contest. To usme kya होता है कि अक्सर न्यू कमर्स को क्यू में खड़ा होना पड़ता है, लाइन में खड़ा होना पड़ता है कि हमें सिंगिंग में आगे जाना है, तो हम क्यू में खड़े होके काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, अलग अलग शहरों से आते हैं, कई लोगों को तो मौका ही नहीं मिल पाता है. सो इन दी ऐप ऑल यू हैव टू डू इज़ यू जस्ट हैव टू रजिस्टर योर सेल्फ, यू जस्ट हैव टू यू नो गो ऑनलाइन, फिल अप द एंटायर फॉर्म, एंड देन दे विल शॉर्टलिस्ट ऑल द बेस्ट कंटेस्टेंट्स. फिर उसमें से कुछ 24-25 कंटेस्टेंट जो शॉर्टलिस्ट होते हैं, फिर उनको चांस मिलता है. एंड दैट्स हाउ ऐप समथिंग इज समथिंग लाइक पास्ट लाइफ में कितनी अच्छी चीज़ें हो गई हैं, डिजिटल हो गया, सब कुछ फास्ट हो गया है. ऐसा नहीं कि आपको फॉर्म भरना है, आपको क्यू में लगना है. सो या इट्स अ ह्यूज प्लेटफॉर्म फॉर न्यू कमर्स एंड पीपल हु रियली डोंट गेट अपॉर्चुनिटीज कम अप इन लाइफ, सो इट्स रियली गुड फॉर देम. जी Firstly, feel it's really easy to judge someone, but when somebody else is judging you, you know, it becomes more difficult. But then at the same time, when I'm judging, I'm equally nervous, because many contestants, they have a lot of hopes from the jury, from the judges, that probably they will come up, probably they'll get come first, second or third, but they have hopes. But then at the same time, it's easy to judge. Lekin koi aapko judge kare bahut difficult hota hai, to maine preparation to kuch nahi ki hai. But yeah, I thoroughly believe in talent. Main khud chote shehar se hoon, I'm from Saharanpur, it's from UP. I'm born in Saharanpur and I've come up with a lot of difficulties in my life, because it's not easy where we people get a lot of opportunities aur hume mauka nahi milta hai. यहाँ तक मुंबई तक आना और अपना मकाम हासिल करना, यही अपने आप में एक बड़ी चीज़ होती है. और कोई भी छोटे शहरों से ऊपर आता है तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि मुंबई माया नगरी है, लोग सपने लेकर यहाँ आते हैं कुछ बनने के लिए. I'm just gonna be myself. I don't know about the chemistry, but he's a great guy, and I'm hoping that this judging platform turns out to be full of entertainment, and we do some kind of justice, and we're not mean to the contestants. Judging a beauty pageant, definitely you see good looks, you see beauty, you see how a person looks. But at the same time, I personally feel that beauty is not just about the looks which you have on the face. It's about the whole persona, the personality. It's about the way you carry yourself. It's also about beauty of the brain. People many times they ask me about, okay, Kainat, what do you think is your best feature or your best asset? I don't think I have a beautiful asset or a beautiful feature. I think my beautiful asset or my feature is my brain. So I would like to rank that as the prior this thing when I'm judging any contestant, not merely just the looks. It has to be the whole personality which has to stand out when I'm judging. Okay, lastly, India Pakistan ka match hai, kitna excited hai aap? I don't watch matches. I don't watch TV much. So any wishes for Team India? I am all there for Team India, because see, as a child I was always a sports person. I played basketball, I played badminton all my life, but then was never into cricket. But then yeah, cricket is something like people worship in India, and I'm all game and all votes for Team India. Do well.
What They Give with Shomu, which is going to come in different app altogether. That's a psychotic thriller. And apart from that, I have done a comedy film called The Kitty Party, which is a Punjabi film. And it's been directed by Nab Bajwa with all like good cast of Punjab, Jaswinder Bhalla, Gurpreet Kugi, Upasana Singh. So beautiful cast of Punjab, and that's releasing on the 4th of October. Apart from that, I'm doing Deepak Tijori's film, which is starting in August, and be shooting in London for that. And I just finished last schedule, but then few days are more left for Khali Bali, which is a horror comedy, and the few days which are left, we'll be going to Lucknow in July. We are finishing that, which is a horror comedy, and I'm playing a very important role called Sanjana. So the whole Khali Bali is happening around Sanjana, so I'm really looking forward to Khali Bali also this year. Series which I did with Shomu, it's called The Birthday Gift, and it's a psychotic thriller. If you know like Urmila Mantodkar's film Pyar Tune Kya Kiya, thodi usse milti julti hai, thodi alag bhi hai. There is a love story, there is psychotic element, then there is a college scenes, so mix and match. Like I'm playing two, three variations of roles in one web series, and I'm really looking forward to The Birthday Gift because it's something like I've not done before, and I never thought I'll do it this year, but then it's challenging to do The Birthday Gift than Khali Bali, which is totally different, because The Birthday Gift is a psychotic thriller and then Khali Bali is a horror comedy, and I love watching horror films, I love doing comedy, so I'm getting to do all of that in one year. And also it's Father's Day today. When is it? Today? Tomorrow. I wish all the fathers in the world a very happy Father's Day. I love fathers. Kisi ke bhi parents ho, chahe wo father ho, chahe mother ho. I just respect elders and apne parents ki respect karni chahiye bachcho ko. So I thoroughly feel I am what I am, where I am, wherever I'm going in my life, it's because of my parents and their blessings. So I wish you all a very happy Father's Day to all the fathers in the world. Thank you. Thank you so much. Yeah, firstly, congratulations. इन्होंने एक नया ऐप शुरू किया है और इसमें एक यंग नॉट यंग बेसिकली टैलेंट को चांस मिलता है तो सिंगिंग का है इवन ब्यूटी का यू नो ब्यूटी पैजेंट इज ऑल्सो समथिंग दैट दे आर डूइंग सो इट्स ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड द बेस्ट थिंग इज दैट जनरली आप किसी भी टैलेंट कॉन्टेस्ट में जाते हैं तो आपके ऑडिशन होते हैं और आपको ट्रैवल करना पड़ता है आपका एक्सपेंस होता है सो इन दिस यू कैन जस्ट अपलोड योर वीडियोज एंड यू कैन give your clips will be watched and they will be judged and it becomes an easy way to you know like to get so you, it's very the facility is fantastic so yeah and then there are obviously there's a competition and I've from the semi final Lalit ji and me will be the judges and that's how it's going to be so once the talent is shortlisted I will be a judge on one of their shows Arbaaz sir judge karna kitna mushkil hone wala hai especially singing show hai aur uske baad pageant bhi hai to uske bare mein bataiye uske liye kitna prepared hai aap आई थिंक अभी अच्छी आवाज़ पहचानना आई गेस सबके पास एक इतना तो ईयर है कि दे कैन टेल कि वॉट आर गुड वॉइस एंड हु अमंग द वंस दैट आर कम्पीटिंग किसकी आवाज़ या किसने कौन सा गाना कितना मुश्किल गाना कितने आसानी से गाया है तो वो एक अंदाज़ा हो गया इतने सालों में कि ये कॉम्पिटिशन को जज वी कैन डू प्लस वी हैव एन एक्सपर्ट विद अस म्यूजिक में आई लुक एट इट इन अ डिफरेंट वे ही वुड लुक एट इट यू नो मे बी बारीकी से देख सकते हैं लेकिन ओवरऑल इट विल बी इंटरेस्टिंग जजिंग एंड लाइक आई सेड टैलेंट में एवरीबडी इज एक्चुअली अ विनर कितनी बार ऐसा होता है कि कोई एक शो में विनर होता है वो सक्सेसफुल हो जाता है लेकिन जो प्रॉब्ली सेकेंड थर्ड आते हैं या जो जीतते नहीं है वो भी कभी कभी जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं सो वी विश ऑल ऑफ देम ऑल द वेरी बेस्ट दिस इज जस्ट अ वे ऑफ एट दैट पॉइंट इन टाइम एंड दैट डे हु डज वेरी वेल पहली बार तो वेब पर आने वाला तो वो कितना ईजी और डिफिकल्ट होगा आप लोगों के लिए स्पेशली जज करना जैसे सर ने भी कहा कि कुछ चुनिंदा सिंगर होंगे जिसको आप लोग जज करने वाले तो जजिंग मतलब पहली बार वेब पर आने वाला है तो ये आपका सवाल जो है ना कि पहली बार वेब पे आ रहा है तो उसको जज करना कितना आसान या मुश्किल होगा वो तो इट्स
द सेम थिंग. इट्स लाइक कि हम एज एन एक्टर, हमसे पूछा जाता है कि आप वेब पे एक्टिंग कर रहे हो तो कितना मुश्किल है. एक्टिंग एक्टिंग है, वही सेटअप होता है, वही स्टूडियोज होते हैं, वही आपको डायलॉग बोलने पड़ते हैं, वो सिर्फ उसका फॉर्मेट और उसका मीडियम अलग होता है. सिमिलरली जज हम सिंगर्स को वैसे ही करेंगे, वो वेब के लिए अलग थोड़ी गाते हैं कि अभी वेब के लिए तो मेरा गाना थोड़ा अलग होगा और ये टीवी के लिए तो मैं गाना अलग गाऊंगा या फिल्म के लिए होगा तो अलग गाऊंगा. वो सब एक जैसा ही गाते हैं, हम एक जैसा ही जज करेंगे उनको. वो प्लेटफॉर्म जो है वो वेब पे आएगा. दैट्स अबाउट इट. सर आपसे जानना चाहेंगे, सर आपसे जानना चाहेंगे, अरबाज जो है दो शो को जज करने वाले, क्या आइडिया था अरबाज को ऑन बोर्ड लाने का, कैसे कोलैबोरेशन हुआ? अरे क्या, मेरा दुकान बंद कर रहा है यार. ले लिया बस आगे बढ़ो. एक्चुअली सर का अभी होगा एक्सपीरियंस, होगा एक्सपीरियंस होगा और अभी तक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है. और सर के लिए प्लस पॉइंट जो है ना, सर के अंदर थ्री पर्सनैलिटी है, एक है डायरेक्टर, एक है प्रोड्यूसर, एक है एक्टर. तो इससे ज्यादा सिंगर भी है वो भी निकलेगा. वो आपको बता दूं, इनको सिंगिंग भी बहुत अच्छी आती है. सिंगिंग भी है, आपने वो देखा होगा अभी कपिल शर्मा का शो, उसमें थोड़ी बहुत पोल खोली थी. बहुत से गुगलीज फेंक रहा हूँ मैं. और सैर के साथ लोलित जी का कॉम्बिनेशन इससे ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है? बिल्कुल. लेकिन इस बार मुन्नी का बदनाम नहीं होगा, मुन्नी का नाम होगा. योग गुरु कब कहा था लास्ट में, कोई याद है अगर मैंने? योग गुरु, सॉरी योग गुरु है ना, कहा था लास्ट में, कोई याद है? मैं जब कहा था किसी को कहा था योग गुरु, अच्छा ऐसा तो कुछ याद नहीं है. मुझे याद है लेकिन मैंने पड़ोसन में सुना था जियो गुरु. Well, I am here to support Jio King and Queen, which is a beauty pageant. And definitely singing to मैं नहीं कर सकती हूँ जज. So I am here to support the pageant because I have done that thing in the past. But app के लिए मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था. And nowadays digital बहुत आगे जा चुका है. तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब मुझे न्योता मिला कि मैं pageant को जज करूँ app के लिए, Jio गुरु के लिए. So I thought why not? And I've already done one web series with Shomu in the past, which is about to release. And see, pageant is something really difficult to judge. Sometimes we can probably sit here and judge people, but then when you are getting judged, it becomes even more difficult. So as I said earlier, I'm not gonna judge the contestants just on the merits of good looks. It's also about the whole persona, the personality, and the brain, like how you're presenting yourself. So my association with this entire thing comes with the brain. So yes. अभी तक तो मैं बाथरूम से बाहर निकला नहीं हूँ. एक बार बाथरूम से बाहर आ गया ना, फिर आप देखो. अच्छा, इनके साथ गाया है मैंने, इन्होंने हमारी फिल्म का गाना किया था ना, मुन्नी बदनाम है. तो वो बिल्कुल दबंग टू किधर है भैया, किधर है? कहाँ है तू? कहाँ से कहाँ चली गई दुनिया? तू खत्म हो गया? तीन की शूटिंग चल रही है. अभी दबंग के बारे में बाद में बात करेंगे. अरे अभी ये सारे सवाल यहीं पर, इनके बारे में पूछो, जियो गुरु के बारे में. वाह, एक और वाह वाह, समझ के बाहर है पब्लिक के. एक बार बोला कि यहाँ पर, दूसरे ने बोला तीसरा भी है. अच्छा, भारत के बारे में भी जवाब दूं मैं? अच्छा ही बात है. Depends on the rounds, na? It also depends. There might be a couple of rounds. I think they are formatting the show. We will discuss that. So there will be a question-answer thing. There will be how they walk with them, their personality, how they conduct themselves, their confidence. So there will be a lot of things. So it will be judged on all. Just like how regular beauty pageants are judged, you know. अरबाज, मेरा सवाल थोड़ा सा अलग होने वाला है, I'm sorry. नहीं, रहने दो. अभी पूछो, राइट है. क्रिकेट के बारे में जवाब दूंगा. कहना चाहेंगे, अरे कल है इंडिया.
इंडिया पाकिस्तान का मैच, तो सब अपना काम वाम बंद कर दो, जाके आराम से 3 बजे के बाद शुरू करो देखना, इट बी ग्रेट फन. सो आई एम रियली एक्साइटेड, इट बी अ कड़ाके का मैच एंड ऑफ कोर्स इंडिया शुड कम अप एज विनर्स, बट आई होप इट्स अ वेरी गुड कॉन्टेस्ट, मजा आना चाहिए. एंड आई होप इट डजंट रेन टुमारो. हां यार, रेन नहीं होना चाहिए. रेन स्पॉइल एट लीस्ट 4-5 मैचेस इन दिस वर्ल्ड कप. एंड अरमान, इंडिया पाकिस्तान के मैच के साथ-साथ फादर्स डे भी है, तो आपने कोई स्पेशल प्लान कर रखा है डैडी को सरप्राइज करने का? टीम I'll try to see the match with him only. To maza aayega because he is also a great cricket fan. Sunil Sahab ko bhi bahut shauk hai cricket ka aur bahut ardent. To hum saath mein dekhenge and maza aayega. Lalit sir, jaise Arbaaz aapke sath judge karne wale hain, to kya aapka kuch gaana gawane ka plan hai Arbaaz se? Kyunki Arbaaz ne bol diya hai ki ab jo hai wo singing mein bhi explore karna chahte hain. Dekhiye, ye mere ekdam dimag mein baat hai, lekin main usi waqt karna chahta tha. Aapne yahi bol khol kaha kiya journalism today. मगर कुछ ऐसा करना चाहूंगा मैं कि अरबाज गाए और मैं साथ में बजाऊं, ऐसा कुछ हम लोग प्लान करेंगे. जरूर सर, दो लाइनें अगर आपके आवाज जियो सिंगिंग स्टार में मिलाऊं. हाँ, जियो स्टार, जियो सिंगिंग स्टार. लिखा अभी तक उन्होंने? मतलब राइटिंग करते हैं? नहीं नहीं यार, तो आप बताओ कौन सा गाना लिखा है, तो मैं बोलो ना. आप पेंटिंग करते हैं वो पता है, गाना लिखा आई डोंट नो. नहीं, गाना भी लिखा है. अच्छा, तो कैन वी प्लीज कम बैक फॉर जी? आपको शौक है क्या गाना लिखने का? गाना गाने का? गाना गाने का. गाना लिखने का नहीं, ऐसा कोई शौक नहीं है मुझे. नहीं, गाने सुनता हूँ आजकल थोड़े ज्यादा. जी,
में अरबाज जी की फिल्म में म्यूजिक दिया था कमाल का म्यूजिक था, फिर कब उनके साथ की फिल्म में आपका म्यूजिक दिखाई दे सकता है? होगा, जल्दी होगा, होगा कुछ इन्होंने हमारे। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा अरबाज जी के बारे में कि मैं तीनों भाइयों को guys of that industry, and I had a great opportunity because when I got a call from them that they want me in the film, and then I had to go, and you know, Mohanlal sir wanted to meet me, so I went, flew and I met him and we discussed, and in July or August we're going to start shooting. Yeah, there is, it's actually he's like an encounter specialist who gets into the interaction with Mohanlal sir, so it's that.